फॉर्मेशन ऑफ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर के अंदर, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी वैलेंस बैंड के अंदर, मान लो ये क्लासरूम वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं और उनको एनर्जी मिली और वो गैप को क्रॉस करते हुए कंडक्शन बैंड में चले गए, अपनी जगह खाली बेंच छोड़ गए, वो खाली बेंच या खाली सीट को क्या बोलते हैं, होल क्रिएट हो गया, तो वैकेंसी को होल बोलते हैं। वो वैकेंसी खाली नहीं है क्योंकि वो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। तो होल की डेफिनेशन है, होल इज अ वैकेंसी जो इलेक्ट्रॉन ने क्रिएट की क्योंकि वो भाग गया घूमने के लिए कंडक्शन बैंड में, फ्री टू मूव है। तो जब वो चला गया अपनी जगह, क्या छोड़ गया, खाली सीट छोड़ गया, वैकेंसी छोड़ गया, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस वैकेंसी को होल बोलते हैं। और होल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेमीकंडक्टर के अंदर। होल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम में इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, मान लो सिलिकॉन के अंदर, तो वैलेंस बैंड में है। तुमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन अपनी सीट छोड़ छोड़ के कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए, फ्री टू मूव है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया और अपनी जगह एक सीट छोड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चला गया अपनी जगह सीट छोड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चला गया अपनी जगह सीट छोड़ गया, तो ये जो खाली सीट छोड़ गया किस में, वैलेंस बैंड में, इसको होल बोलते हैं। होल कभी भी कंडक्शन बैंड में क्रिएट नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से भागा था, वैलेंस बैंड से। कंडक्शन में तो सीट है ही नहीं बैठने के लिए, घूमने के लिए सीट तो ना चाहिए होती है, घूमने के लिए तो वैसे घूमना होता है, तो सीटें कहाँ पड़ी हुई हैं बैठने की, वैलेंस बैंड में। तो होल कहाँ पे बनेगा, वैलेंस बैंड में, और वैलेंस बैंड में होल बनेगा और इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में तो फ्री टू मूव है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो होल है ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। इसको और बेटर समझने के लिए एक और तरीका है, और ये स्ट्रक्चर से, जब बॉन्ड बने हुए थे तो ये इलेक्ट्रॉन किस बैंड में थे, वैलेंस बैंड में। एनर्जी मिली, इन्होंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया और दे आर फ्री टू मूव। जब ये फ्री टू मूव है किस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में, अपनी जगह क्या छोड़ दी, खाली सीट, होल छोड़ गए, तो होल को छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम है कि होल पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा निकला होगा, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा ऐसे तो कई होल्स क्रिएट हो गए होंगे। इसने भी सीट छोड़ दी थी, ये देखो इसने भी सीट छोड़ दी, इसने भी सीट छोड़ दी, तीन होल्स क्रिएट हो गए। अब होगा क्या, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, यहाँ वैलेंस, इसके अंदर ये वैलेंस बैंड है, इसके अंदर होल्स क्रिएट हो गए। अब जो पड़ोस का इलेक्ट्रॉन है वो देख रहा है जब ये सीट छोड़ेगा तो इस सीट पे जाके बैठ जाता है और अपनी जगह होल बना देता है। अब क्योंकि होल पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पड़ोस का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इसके ऊपर आ जाता है, तो ये यहाँ पे आ गया, अपनी जगह होल छोड़ दिया। तो नोट करने वाली बात है कि होल वैलेंस बैंड में मूव कर रहे हैं, हालांकि सीटें मूव नहीं करती, इलेक्ट्रॉन जाके होल पे बैठता है तो होल पीछे आ जाता है। तो होल, लेकिन हम बोलते ऐसे ही हैं, कंडक्शन बैंड में देख रहे हो होल्स मूव कर रहे हैं, और सॉरी वैलेंस बैंड में देख रहे हो होल्स मूव कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में है, उनकी मूवमेंट हो रही है, लेकिन जो होल है वो किस बैंड में है, वैलेंस बैंड में है, वो भी मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों इकट्ठे मूव करते हैं। ये कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर के अंदर नहीं था, कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्री होते थे और फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, और फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करते थे उस करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते थे। सेमीकंडक्टर के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वैलेंस बैंड में होल्स मूव करते हैं, तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, और वैलेंस बैंड में पॉजिटिव चार्ज होल मूव करता है तो वो होल करंट में कंट्रीब्यूट करता है, और जो टोटल करंट है सेमीकंडक्टर का वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड होल करंट है, दोनों करंट का समेशन है। तो कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करंट था, होल करंट नहीं होता। सेमीकंडक्टर में दोनों करंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है और होल करंट भी होता है। लेकिन कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है यार सीटें भी कभी करंट जनरेट करती हैं, होल कैसे जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन तो माना भी। देखो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, और डेफिनेशन बनाने वाले ने ये नहीं कहा था पॉजिटिव चार्ज बाय टाइम या नेगेटिव चार्ज बाय टाइम। तो अगर चार्ज नेगेटिव है
इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव करंट जनरेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव करंट जनरेट कर रहा है, करंट दोनों जनरेट कर रहे हैं, और जो टोटल करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट एज वेल एज होल करंट के साथ एडिशन है, तो यहाँ पर ज़्यादा करंट जनरेट होता है। तो इसमें अगर मैं होल की बात करूँ तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि होल के अंदर जीरो केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है, कोई इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता एनर्जी गैप में से। फिर ये लिखा हुआ है एट हायर टेम्परेचर कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एनर्जी फ्रॉम थर्मल एजिटेशन और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, एज अ रिजल्ट वैकेंसी क्रिएट कर जाते हैं इन वैलेंस बैंड, और ये वैकेंसी एट अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन वॉज प्रेजेंट बिफोर मूविंग, अपनी जगह वैकेंसी क्रिएट कर गए, इस वैकेंसी को क्या बोलते हैं, होल। तो होल इज कंसिडर्ड एज अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होल एक एक्टिव पार्टिकल है सेमीकंडक्टर्स के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, कंडक्शन बैंड में है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन भागते हैं, वैलेंस बैंड में होल भागते हैं, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लिखा हुआ है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड ऑल्सो मोशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में दो दो करंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है और होल करंट भी होता है। ठीक, तो ये मैंने स्ट्रक्चर से आपको समझा दिया, तो ये होल है, ये मैंने डिस्कस कर लिया।